दोस्तों इंडियन मार्केट का इकलौता मोपेड TVS XL100 जो लोग लेना चाहते हैं अभी और बाद में भी, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। दोस्तों TVS XL100 बहुत ही जल्द BS6 में आने वाला है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हर BS6 स्कूटर और बाइक्स में आपको मिलता है। तो दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको TVS XL100 का BS6 मॉडल मिलेगा और फिलहाल जो मॉडल है इससे लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा महंगा ये मोपेड पड़ेगा और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ पे चेंज होगा, कॉस्मेटिक चेंजेस और मैकेनिकल चेंजेस दोनों ही आपको देखने को मिलेगा जहाँ तक हमें खबर मिला है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को TVS XL100 हेवी ड्यूटी का 4 कलर्स दिखाऊंगा, स्पेशल एडिशन भी दिखाऊंगा और कुछ एक ओवरव्यू के बारे में भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कार्बोरेटेड मॉडल आपको 2020 में लेनी चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने पहली बार इस चैनल में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के हमारे साथ सारे वीडियोज़ में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते कि ये जो स्पेशल एडिशन है इससे दूसरे एडिशन का फर्क क्या है। दोस्तों लगभग यहाँ पे आपको मैकेनिकल कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको जो स्पेशल एडिशन कलर है जो इसमें मैट ब्राउन में दिया गया है उससे कुछ स्टिकर चेंजेस और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही आपको देखने को मिलेगा और 25 ईयर्स स्पेशल एडिशन का एक स्टिकर भी आपको स्पेशल एडिशन में लगा हुआ मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको यहाँ पे DC कनेक्शन में फुल्ली हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है जो काफ़ी ब्राइट है और ऑरेंज कलर के कन्वेंशनल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। दोस्तों TVS XL100 हमेशा से ही एक ऐसा मोपेड है जिसमें आप बहुत सारी सामान कैरी करके ला सकते हो। वैसे तो कम्यूटिंग के लिए ये है नहीं, लेकिन एजेड सिटीजन यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक लाइट वेट है और बिल्कुल ही स्कूटर की तरह ये चलता है। दोस्तों नीचे आप DRLs देख सकते हैं, इंडिकेटर्स फुल्ली फ्लेक्सिबल है और DRLs होने के कारण आपको दिन के समय में हेडलाइट जलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिससे बैटरी की काफ़ी बचत होती है और बैटरी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। हैंडल बार बहुत ही अपलिफ्टेड है और यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्विच गियर दिया गया है। लेफ्ट हैंड की तरफ आपको चोक भी मिल जाएगा और मीटर कंसोल की अगर बात करें तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर मिलता है और कुछ टेल लाइट्स आपको मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों ये किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों में ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप सिर्फ किक स्टार्ट वाला मॉडल लेते हैं तो प्राइस यहाँ पे बहुत ही कम पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि एक USB चार्जिंग सॉकेट आपको मीटर कंसोल में ही देखने को मिल जाता है। अगर फ्यूल टैंक को देखें दोस्तों तो रिजर्व मिला के 1.3 लीटर्स में इसका रिजर्व लगता है, टोटल 4 लीटर्स के यहाँ पे पेट्रोल टैंक दिया गया है और नीचे आप देख सकते हैं एक सामान कैरी करने का स्पेस भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दोस्तों स्प्लिट टाइप सीट मिलेगा, पीछे ग्रैब हैंडल मिलेगा वो भी डबल ग्रैब हैंडल और पीछे की सीट को हटा के आप यहाँ पे और भी सामान माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चारों कलर से, मैंने यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर आपको मिलेगा, ये स्पेशल एडिशन कलर मिलेगा, ब्लू मिलेगा और पर्पल रॉयल वाइन कलर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले मैं स्पेशल एडिशन का वॉकअराउंड वीडियो अपलोड किया है, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा फॉर्क गार्ड्स के साथ साथ और पीछे भी आपको हाइड्रोलिक शॉकर स्प्रिंग आर्म सस्पेंशन मिल जाएगा डुअल। दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे स्पोक टाइप व्हील्स दिए गए हैं, 16 इंच डायमीटर का ये व्हील है और 2.5 इंच व्हील की यहाँ पे ब्रॉडनेस दिया गया है। अब ये ट्यूब टायर से ट्यूबलेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पोक है, इसलिए यहाँ पे आपको ट्यूब टायर ही देखने को मिलेगा। दोनों ही तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट की तरफ 80mm का और रियर की तरफ 110mm का डायमीटर वाला ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। पीछे की सस्पेंशन एडजस्टेबल है और टायर की ट्रेड पैटर्न ऐसा ही है कि खराब सड़कों पर भी बहुत ही अच्छी तरीके का राइड क्वालिटी आपको मिल जाता है। आई टच स्टार्ट यानी कि सेल्फ स्टार्ट मिलेगा आपको, एक सिंपल टच से ही आप इस मोपेड को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सामान टांगने के लिए एक अलग सा हुक भी आपको इसके साथ ही फिटेड हुआ मिलता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो सीटिंग कंफर्ट ठीक ठाक है और अगर बात करें इंजन की तो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है 100cc का, जिसमें 4.3 BHP एट 6000 RPM में जनरेट करता है और जो टॉर्क है ये 6.5 न्यूटन मीटर्स है जो 3500 RPM में आता है।
दोस्तों आप मोपेड को तो ज़रूर देख सकते हैं, इसका और कोई भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। लगभग ये 150 किलो का वेट ले सकता है और 50 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा। और दोस्तों जिनके बजट बहुत ही कम है और अभी अभी ये बहुत ही कम पैसों में ये मोपेड को लेना चाहते हैं, तो अब जल्द ही इसकी कार्बोरेटर मॉडल को ले लीजिए, क्योंकि बाद में ये BS6 आने के बाद अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। और अभी बहुत ही अच्छी प्राइस पॉइंट में ये अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। लगभग यहाँ पे 33 से लेकर 40,000 के बीच एक शोरूम प्राइस कोलकाता है। तो ज़रूर आप अभी कार्बोरेटर मॉडल को ले सकते हैं अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं तो, क्योंकि BS6 आने के बाद इसके प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उस वक्त आपको आप में से जिन लोग का एक बजट लिमिट है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और ये कलर का वॉकअराउंड, चारों कलर्स का वॉकअराउंड आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ़।